गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं बेहद थकी हुई थी, मुझे थोड़ी सुस्ती हो रही थी तो मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, अब किया है। आफ्टरनून हो रहा है, कैसे हैं आप सब। मैं तो खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी मौसम देख लें आप कैसा हो रहा है। बिल्कुल सुबह थोड़ी सी किनमिन हुई है, थोड़ी सी 2 मिनट भी, फिर बंद हो गई है। उसके बाद मैंने सारा घर का काम क्लियर किया है, किचन क्लियर किया है, सफाई तो नहीं की, सीधी बात सफाई करती तो व्लॉग जरूर शेयर करती। सफाई नहीं की, घर के काम किए हैं, नाश्ता और खाना पीना किया है, बस बेडरूम साफ किया है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर आ गई हूँ, अब जाके तैयार होती हूँ। जानू सिटी गए हैं खाने पीने के लिए, कोटा लेकर आएंगे माल, कोटा कोटा जो मुझे चाहिए बता वो खाऊंगी, जानू लेकर आएंगे। और अब मैं कमरे में चलती हूँ, तैयार होती हूँ, सोचा आप सबसे सलाम दुआ ले लूँ। ये देखें 1 बज रहा है, सुबह बस नाश्ता किया था, उसके बाद यहीं बैठे थे, काम शाम किए हैं थोड़े बहुत। उठ तो जल्दी गई थी क्योंकि शदीद गर्मी थी, बाहर सोए थे, फिर क्या करते हैं घर के काम करने लगे। और जी पानी पी लेती हूँ, फिर आप सबसे बात करती हूँ। बस यही काम है सारा दिन मेरा, पानी के साथ सारा दिन। आगे आप सब सुना दें कैसे हैं, ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। लें जी आ गया पंडारा बॉक्स, कोई बड़ा पंडारा बॉक्स नहीं है आपकी समीना के पास। प्यारे दोस्तों मेकअप किट ले दें, प्यारे दोस्तों मुझसे स्पॉन्सर करा लें, प्यारे दोस्तों मैं तैयार होने लगी हूँ। तैयार होती हूँ, क्या पता जानू को आंखें मारनी पड़ जाए, सुरमा डालते हैं। सबसे पहले तो आंखें खूबसूरत करते हैं, आईब्रोज बनवाए नहीं, आंखें खूबसूरत करी जानी है मैंने। बस आपने देखना ऐसे करके सुरमा कैसे डालती हूँ। पहले सुरमे का टैलेंट भी ऐसे ही फेम होता था जैसे आंखों के ऊपर आईलाइनर लगाती हैं लड़कियां। मैं तो अभी भी देखती परेशान हो जाती हूँ, ये लगा कैसे लेती हैं, हमसे तो कभी भी नहीं लगेगा। और हमने चूची आंखों पे लगा के करना भी किया है। सुरमा डालो जान छोटी, काजल डालते थे खारिश होती थी, डॉक्टर को दिखाया उसने भी मना किया, उसने कभी भी अपनी हेल्थ के मुताबिक पंगे ले वरना यही एडमिट कर देंगे तुझे। चले जी आज न्यूड कलर लगाती हूँ। ये न्यूड कलर ना थोड़ा टाइम पहले मैं लेकर आई थी, ये मुझे इतना पसंद था, लगाती हूँ। बस जानू है, जानू कहे मैं पागल फैन, हाय मेरी बीवी इतनी प्यारी, बस जानू खुश हो जाए मुझे देख के। तो होते भी हैं, तौबा भी करते हैं, खुश भी होते हैं। ये लेंदी ऐसे करके ऐसे करके पप 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 करके चौपड़ देने हैं होंठों को। सजने लग गए, सजते हैं, तैयार होते हैं, बस ऐसे तैयार होना है ना। जानू बोले हैं हैं, क्या कर रहे थे तुम। बस बस बस, जानू का परफ्यूम गई, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, वो चित्र पड़ेंगे ना जब मैं नहाती हूँ उठा के परफ्यूम हो जाए। अब कैसी रही हूँ भाई, ना मैं फेयर एंड लवली नहीं लगाती मुँह पे। अब करती हूँ बालों में कंघी, हेयर स्टाइल बना के आप सबको फिर दिखाती हूँ। ले जी मैं हो गई हूँ तैयार अच्छे से, अब मैं बस बैठ जाती हूँ, वॉक करती हूँ, जानू का इंतजार करती हूँ, फिर जानू आते हैं, फिर कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग। ले जी सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने फ्रेंड्स को दावत देती हूँ, आज मेरे साथ बर्गर खा लें। मेरे लिए जानू लेकर आए हैं बर्गर, और वो अपने लिए लेकर आए हैं पिज्जा, क्योंकि उन्हें पिज्जा पसंद है और मुझे बर्गर। आप सब भी आ जाएं मेरे साथ खा लें। और ऐसे ही बोलूंगी मैं, स्मॉल साइज लेकर आए हैं क्योंकि ये एक ही बंदे की सर्विंग है। मैं पहली बात तो खाऊंगी नहीं, अगर खाऊंगी भी तो इसका एक पीस मुश्किल से, वो भी अभी नहीं, अभी मैं बर्गर खाऊंगी, मैं दो चीजें नहीं खा सकती एक साथ, टिश्यू की जरूरत नहीं हमारे पास अपने हैं, अभी नहीं निकाल के रखती हूँ। मैं तो खाना शुरू कर देती हूँ, जनाब करें वजू और भाग जाए जुम्मा पे, हमें क्या बस मैं जल्दी से खा लूँ मेरा जो मिशन है जिसके लिए मैं दुनिया में आई हूँ। आज बड़े दिनों बाद मैं बर्गर खा रही हूँ, काफी टाइम बाद।
जब भी खाया था आपसे शेयर किया था, सिटी गए थे जब मैंने खाया था गाड़ी में बैठ के, आप सबसे भी शेयर किया था, उसके बाद खाया होगा तो याद भी माफ करिएगा। चलें जी खाना है तो आ जाए, इसमें से आधा जाम के लिए काट देते हैं, आधा खुद के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये हो गया जी इंसाफ, बड़ी साइड मैं खाऊंगी, छोटी जानू के लिए रखूंगी। ये सबसे पहले तो आप लोग खा लेना जिनको मैं सुबह से बुलाकर बैठी हूँ। चलें जब मैं खा लेती हूँ फिर उसके बाद बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करूंगी, कहीं मत जाइएगा। हेलो जी कैसे हैं आप सब जी, मेरी आदत है इंट्रोड्यूस करने की ऐसे। हेलो जी कैसे हैं आप, पता नहीं आप सबको अच्छा लगता होगा या बुरा, मैं तो बोल देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हेलो हाय से ही बात शुरू होनी चाहिए, ऐसे घर से। दिन को आराम करने लग गई थी, लंच बाहर से आया था वो खाया था, उसके बाद और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं रही। शाम को मेरे जानू बड़े प्यार से मेरे लिए एप्पल लाए थे, हमारी सिटी में आज पहली बार एप्पल आया है, पता नहीं इनका सीजन आया है नहीं आया, पर बड़ा ही खट्टा मीठा सा था जो डाइट वाले होते हैं, बहुत यमी था। एक एप्पल खा लिया बस सांसें बंद होने लगी उससे। दोपहर को खाया था बर्गर और पिज्जा, पिज्जे का भी एक पीस खाया था बाद में, ऐवे तो नहीं छोड़ सकती मैं पिज्जा, इतने दिनों बाद मिला था। अब शाम का काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे। अब आ गई हूँ, पहले बर्तन वॉश करती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ, फिर लास्ट में सालन बना लूँ, जिस तरह फिर गर्मी कुछ कम लगती है मेरे ख्याल से मुझे। बस लगती तो है जी, जून जुलाई अगस्त चल रहा है, गर्मी की तो बात ना ही पूछें, ना बारिश आ रही है। अब मैं तो दुआ करती हूँ बारिश ना आए, बड़ी घबराहट होती है, परेशानी होती है। हमी बंदा बोले हम बहुत उलझ जाते हैं बारिश में, बहुत मसला होता है। और जी तो सब तकरीबन बर्तन धुल गए हैं, अब मैं रोटी बनाती हूँ और आपसे गपशप लगाती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने बड़ा इंजॉय किया, बस थोड़ा फ्री भी थी। इसी तरह जी घर के काम खत्म नहीं होते, मुझसे बाहर जाया नहीं जाता, सिटी काफ़ी दूर है, फिर जानू कभी कभार जाते हैं तो मेरी मौजें हो जाती हैं। जी ये आखिरी पतीला है, फिर मैंने चाय बनाई थी, जानू को चाय बनाई, फिर जानू से तारीफें लपेटी सपेटी, बस इन्हीं चक्करों में लगी रहती हूँ, और क्या करना है। मैंने बाहर तो कहीं आते जाते नहीं है, घर में ही ब्लॉग बना देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस दिन अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को रंग लगाया तो आगे भी बात जाएगी। और आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें जी अब मिलती हूँ बाहर। मौसम काफी खराब है, सबसे पहले रोटी बना देती हूँ, तीन तो रोटियाँ हैं, बना के रख देती हूँ, फिर सालन पकाती हूँ। आज ही आलू पकेगा शोरबे वाला, रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, आप लोग तंग आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। आज कुछ था नहीं बनाने को, सोचा आलू ही बना लेते हैं। अगर आप सबने रोटी खानी है तो आ जाए, मैं आप सबके लिए भी रोटी बना दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी बस इसी तरह से तीन रोटियां पका के हम फारिग, उसके बाद फिर करेंगे दूसरा काम। वो देखे माश की दाल मंगवाई थी, जानू बोले नहीं खानी, मेरे जानू बड़े नखरे करते हैं, ऐसे नखरे करते हैं जब छोटे बच्चे हों। ये देखें जी ये है सिलेंडरों का हाल, इतनी मेहनत की कमाई से इतनी मुश्किल से हम सिलेंडर भरवाते हैं ना। कई बार मैंने जानू को बोला मुझे जैसी भी लकड़ियाँ मिलती हैं ले दें, मैं वहाँ चूल्हा बना लेती हूँ, इतना बेकार सिलेंडर होता है ना। बस जानू है कि जब से मैं बीमार हुई कसम से नहीं करने देते, बोलते हैं कोई भी कमी कर देंगे, कोई भी ये कमी नहीं करनी, बस ये नहीं करना। और मैं थोड़ा लकड़ी की आदि की
लकड़ी के आग पे काम करने की आदी भी नहीं हूँ जी, ये भी एक मसला है, कमी कहने मेरी। मुझे जो धुएं से खांसी उठती है ना, मेरे गुर्दे फेफड़े बाहर आ जाते हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं बीबी ढोल बंद कर, हमारा नाचने का दिल करता है। ऐसी खांसी होती है दो घरों में सुनाई दे फिर तो। ये मसले हैं मेरे, बस जी क्या करें, ये सारे जानू के मसले हैं। ना जानू होता ना रोले, ना ढोला होता ना रोला होता, ये ढोला गिची में पड़ गया है मेरे। अब जी रोटियां पकाते हैं जल्दी जल्दी, फिर करते हैं बाकी काम। आज ना मैं फटाफट मसाला बना रही थी, सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। 3 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा टमाटर छील के। ये है जी मेरा जल्दी वाला मसाला। ब्लेंडर चलेगा नहीं इस टाइम, पंखा चलेगा, और मैंने कहा इसमें ही बना लेती हूँ, मैं ज़्यादातर इसी में बना लेती हूँ, 1 मिनट में बन जाता है। ये देखिए जी, ये फटाफट वाला मसाला तैयार हो गया है, और इसमें भुनाई इसकी सेम ही होती है, पर ये मिनटों में सालन का मसाला तैयार हो जाता है। कुक होने में इसे आधा टाइम लगता है। मैं प्याज काट लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। ले जी सालन मैंने चढ़ा दिया है, सालन की भुनाई हो रही है, सालन बन रहा है। आलूओं को बनने में टाइम ही कितना लगता है। और जी जनाब को, बुज़ुर्ग जनाब को खाने थे शोरबे वाले आलू, आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू मटर, आलू गोश्त, और जब जिस दिन तंग आ जाती हूँ क्या कहूँ आलू पका लो। आज पक गए हैं आलू, आलूओं की तो श्रद्धा ही है हम लोग, पता नहीं लोग क्यों इतने आलू खाते हैं। आलू जैसी तेरी बीवी है, तुम तो खुदा का खौफ कर बंदे। लाइटें ऑन करती हूँ। ये देखें जी, ये कमरे की सफाई मुझे आवाज़ें दे रही है। बस एक बार ना आप इसका विजिट कर लें, कमरे की ये हालत देख लें आप लोग। जितनी सफाइयाँ कर लूँ जो कर लूँ, हवा अंधेरी मिट्टी आती है पागल करके चली जाती है। चारपाई बाहर निकालते हैं जनाब की, सुबह मैंने उठा के खड़ी कर दी थी, बारिश में गीली हो जाती है, धोनी पड़ती है, मुसीबत लगता है अकेले बंदे को ना। इसे बाहर ले चलते हैं, बरामदा वगैरह है नहीं जहाँ चारपाइयाँ रख दिया करूँ। ये कमरे में मिट्टी की कंडीशन देख लें आप। सुबह इंशाल्लाह ताला उठ के पहला काम जो है सफाई का ही करना है। चारपाइयाँ सीधी करते हैं, सालन कंप्लीट हो जाएगा तब तक। पानी लगा कर आई थी बुनाई करके, सालन बन रहा है। और जी अगर चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें, मेहरबानी होगी आप सबकी। क्यों तंग करते हैं आप मुझे इतना? एक तो मैं काम अकेले करती हूँ, फिर मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। हाय थका दिया इस गर्मी में तो। मैं तो कहती हूँ मैं मर जाऊँगी, बाकी सारे जिंदा रह जाएंगे, और मुझे डर है पता नहीं मेरा जानू क्या करेगा पीछे से। तो मुझे मेरे जानू की पड़ी है। नहीं जी, अगर किसी ने सोना है तो आ जाएं। हमारे घर चारपाइयाँ बहुत, बिस्तरे बहुत, घर छोटे दिल बड़े बड़े, पेटियाँ भरी पड़ी हैं बिस्तरों से। और जिनको ये लाइन बोली है वो भी समझ जाएंगे मेरा व्लॉग देख के, जी आपको ही बोला है। जिसने व्लॉग देखा उसको बोला है, जिसने नहीं बोला वो ना आए हमारे घर में, जिसने नहीं देखा है। ले जी आपका पांडा तो ऐसे बैठ गया जैसे काम ख़त्म हो गए हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाय गर्मी लग रही है। चलें जी कैल्सी की टिक्की पीते हैं, घर के काम कंप्लीट करते हैं, और दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आते जाते रहना है, मिलते मिलाते रहना है। सोचा आज दोपहर की रूटीन आप सबसे शेयर करें, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।